इम्प्रेस मेजर, इसको कहते हैं प्रभाववाद, जो कि एक लिटरेरी फिगर्स है। ये इम्प्रेस मेज में आर्ट मूवमेंट है, कला के क्षेत्र में एक आंदोलन है। आर्ट मूवमेंट का मतलब है कला के क्षेत्र में आंदोलन। और देखो, स्टार्टिंग जो कि आरंभ हुआ था इन द 1860s, 1860 के दशक में, जो कि एक आर्ट मूवमेंट है जो कि 1860 के दशक में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन की ओरिजिनेटिंग का मतलब उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति कब हुई, कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। मोनेट्स जो कि एक पेंटर का नाम है, उसने एक पेंटिंग तैयार की। उस पेंटिंग का नाम था इम्प्रेशंस ए सनराइज। मोनेट्स के द्वारा एक पेंटिंग तैयार की गई, उस पेंटिंग का नाम था इम्प्रेशंस ए सनराइज। वो पेंटिंग थी वॉज इंस्पायरेशन, प्रेरणा, और इस पेंटिंग से प्रेरणा मिली फॉर द नेम ऑफ द आर्ट मूवमेंट, कि इस कला के क्षेत्र में आंदोलन को, कि इस आंदोलन को नाम देने की प्रेरणा किससे मिली थी, इस पेंटिंग से मिली थी। अर्थात है जो इम्प्रेस निज में जो आंदोलन है उसको नाम है मोनेट की एक पेंटिंग है इम्प्रेशंस सनराइज है, उससे प्रेरणा मिली थी, उसके माध्यम से नाम दिया गया। मोनेट से इम्प्रेशन से सनराइज वॉज इंस्पायरेशन फॉर द नेम ऑफ द आर्ट मूवमेंट। मोनेट की एक पेंटिंग है जिसका नाम था इम्प्रेशन से सनराइज के माध्यम से, और इसे आर्ट मूवमेंट को और नाम देने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इम्प्रेशनिस्ट जो कि ये पेंटर होते हैं, ये सभी पेंटर्स हैं, एक तरीके से पेंटर्स बोल सकते हैं इनको आप, प्रभाववादी कलाकार। और इंटरेस्टेड, इन्होंने रुचि ली कैसी पेंटिंग, ऐसी पेंटिंग बनाने में जिनमें उन्होंने लाइट और एटमोस्फेयर है उसको प्राथमिकता दी। लाइट का मतलब है यहाँ पर कलर, और एटमोस्फेयर का मतलब वातावरण, कि वातावरण और रंगों को उन्होंने प्राथमिकता दी। कि जो प्रभाववादी कलाकार थे, उन्होंने जो वातावरण है अपनी पेंटिंग है उसको प्रस्तुत किया, और उस वातावरण को कलर के माध्यम से सजीव रूप प्रदान किया।